आज हम लोग बात करेंगे सनस्क्रीन के बारे में। यह है अल्ट्रा SPF बाय एलाना पेरिस और मैट फिनिश है, मतलब बहुत ज़्यादा ऑयली टाइप का नहीं रहेगा, लगाते ही अब्जॉर्ब हो जाएगा। और इसमें बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, जैसे कि ऑयल फ्री है ये, तो हर तरह की स्किन में लगा सकते हैं। UVA UVB रेशियो 0.82, मतलब कि ये UVA और UVB दोनों से प्रोटेक्ट करता है। नीचे लिखा हुआ है ब्रॉड स्पेक्ट्रम, इसका मतलब है कि ज़्यादा से ज़्यादा आपकी अल्ट्रावायलेट रेज को ये प्रोटेक्ट करेगा। वाटर रेजिस्टेंट है, मतलब स्वेटिंग वगैरह हो रही है, कुछ प्रॉब्लम है तो उससे ये वॉश आउट नहीं होगा, इसका असर बना रहेगा। और ये हर एज में लगा सकते हैं। एक चीज़ लिखी हुई है ऑल एजेस, लेकिन फिर लिखा है 6 मंथ प्लस, मतलब कि बहुत छोटे बेबीज़ में नहीं लगाना है, क्योंकि छोटे बच्चों को जो धूप से फ़ायदा होता है, जो अल्ट्रावायलेट रेज, जो सनलाइट से विटामिन डी बनता है स्किन में, उसकी कमी हो जाएगी। तो इसलिए बच्चों को पूरे बॉडी में सनस्क्रीन नहीं लगाना चाहिए, ऐसा बोलते हैं। फेस पे लगा सकते हैं प्रोटेक्ट करने के लिए। इसमें इंग्रेडिएंट्स लिखे हुए हैं, ये मेडिकेटेड सनस्क्रीन है। बहुत सारे मार्केट में कॉस्मेटिक सनस्क्रीन मिलते हैं जिसमें कि ये सारी चीज़ें नहीं होती, तो एक्चुअली वो काम नहीं करते हैं। तो जो इफ़ेक्टिव सनस्क्रीन है वो मेडिसिन वाला सनस्क्रीन होता है हमेशा। तो मेडिकेटेड सनस्क्रीन लीजिए और सन प्रोटेक्शन फैक्टर ज़रूर देख लीजिए। जितना ज़्यादा सन प्रोटेक्शन फैक्टर होगा, जैसे कि इसमें लिखा हुआ है 60, उतना ज़्यादा इफ़ेक्टिव होगा। कम अगर है 15 वाला या 30 वाला आप यूज़ कर रहे हैं तो कम प्रोटेक्शन मिलेगा। कुछ लोग ये सोचते हैं कि जो SPF है उसका मतलब होता है पावर, तो ऐसा कुछ नहीं है। इसका मतलब होता है कि ये ज़्यादा देर तक अगर आपको सनलाइट में रहना है तो भी आपको ये बचाएगा, और अगर आपकी स्किन किसी भी टाइप की हो तो आपको प्रोटेक्ट करेगा। तो ये है अल्ट्रा SPF सनस्क्रीन। अल्ट्रावायलेट रेज तीन तरह की होती हैं, एक तो होता है UVC अल्ट्रावायलेट सी, जो कि ओजोन लेयर में फिल्टर हो जाती है और स्किन के लिए बहुत हानिकारक होती है, तो वो धरती तक पहुँचती नहीं है। दूसरी जो लाइट होती है वो होती है अल्ट्रावायलेट ए, और वो बहुत ज़्यादा होती है धूप में, करीब 90% धूप में अल्ट्रावायलेट ए होती है। और तीसरी चीज होती है अल्ट्रावायलेट बी, करीब 10% होती है अल्ट्रावायलेट बी धूप में, और बहुत सारी हमारी स्किन एलर्जी और प्रॉब्लम्स अल्ट्रावायलेट बी की वजह से होती हैं। तो हमें एक ऐसा सनस्क्रीन चाहिए जो ए और बी दोनों से प्रोटेक्ट करे, और सी की कोई बात नहीं है, सी ओजोन लेयर से ही फिल्टर हो जाता है। तो एक बढ़िया इफ़ेक्टिव सनस्क्रीन अगर आप लगाएंगे तो स्किन हमेशा अच्छी बनी रहेगी। स्किन की जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं, पिगमेंटेशन है, मिलाजमा है, टैनिंग है, इसके अलावा जो रिंकल्स और फाइन लाइंस हैं, ये सब धूप से अल्ट्रावायलेट रेज के डैमेज की वजह से बनते हैं। तो अगर आप हमेशा लगाएंगे, लाइफ लॉन्ग लगाएंगे, यहाँ तक कि अगर आप इंडोर रहते हैं, बाहर नहीं निकलना है, तब भी लगाइए, तो आपकी स्किन में ये सब प्रॉब्लम्स डेवलप नहीं होंगी, रिंकल्स डेवलप नहीं होंगे, और हमेशा स्किन अच्छी बनी रहेगी। लेकिन उसके लिए आपको सेलेक्ट करना है बढ़िया सनस्क्रीन। इसमें थोड़ा सा ये टिंटेड भी है, मतलब कि ये वाइट कलर का नहीं है, बल्कि थोड़ा सा फाउंडेशन जैसा है, तो ये नेचुरल फाउंडेशन का भी काम करेगा, एक फेयरनेस का इफ़ेक्ट भी देगा फेस में लगाने पर, और गर्मियों के लिए बहुत अच्छा है क्योंकि ये ऑयल फ्री है और वाटर रेजिस्टेंट है, तो बहुत ज़्यादा पसीना आएगा तब भी ये अपना काम करता रहेगा। तो बहुत अच्छा प्रोडक्ट है अल्ट्रा SPF 60 नाम है इसका, और ये इसकी प्राइस है और इसकी डिटेल्स हैं, और इसमें जो इंग्रेडिएंट्स हैं उसकी ये लिस्ट है। ये स्किन के लिए पूरी तरह से सेफ है, हर तरह की स्किन टाइप में आप लगा सकते हैं, हर एज में लगा सकते हैं अल्ट्रा SPF 60।